अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम भाई दोस्त सब भाई कैसे हैं। उम्मीद का तो सब भाई ठीक होंगे। आज मैं एक बात करूंगा जो कि एक आदमी ने वीज़ा लिया था गलती से और जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो कौन सी गलती है? अगर आप सऊदी अरब का वीज़ा ले रहे हैं तो आपने ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आगे जाके मैं आपको तफसील में बताता हूँ, इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करते। एक आदमी वो पाकिस्तान में एजेंसी से वीज़ा लेता है, लेकिन जो वीज़ा लेता है वो बस का वीज़ा होता है और यहाँ पे पहुँच जाता है। जब यहाँ पे पहुँचता है तो उसको वो जो कंपनी होती है उसकी तो बस ही नहीं होती, उसका तो सिर्फ वो ट्रक का कारोबार है, वो ट्रक चलाते हैं, उनकी बसें नहीं हैं। जबकि उसका जो वीज़ा होता है ना वो बस का होता है, हाफला का होता है, और जो उसका उत्साह बना हुआ है वो बस का है। ट्रक का वीज़ा वो लग होता है, उत्साह यानी कि लाइसेंस जो है ना ट्रक का लग है और बस का अलग होता है। लेकिन उसके पास जो लाइसेंस था वो सिर्फ बस का था, ट्रक का नहीं था। अभी यहाँ पे पहुँचता है तो कंपनी उसको बोलती है कि हमारे पास तो बसें नहीं है, हमारे तो ट्रक चलते हैं, आपका जो लाइसेंस है वो ट्रक वाला होना चाहिए, हमें तो बस वाला चाहिए ही नहीं। अभी वो अभी क्या कर सकता है, वो इधर पहुंच तो चुका है लेकिन अभी क्या करेगा? अभी तो उसको लाइसेंस नया नए तरीके से बनवाना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसको ना चेंज करवाना पड़ेगा यानी कि ट्रक पे। अगर वो ट्रक का लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है तो उसको 3 महीने या 2 महीने हो सकता है उसको लग जाए, वो उसका टाइम भी ज़ाया चला गया, उसकी जो तनख्वाह मिलनी थी वो भी नहीं मिली। तो बाद में अभी वो या तो वो कहता है, अगर कंपनी कहती है कि अगर आपने लाइसेंस नहीं बनवाना तो फिर हम जो है ना ये वाला महीना जो है ना यही यहाँ पर रहेंगे और नेक्स्ट मंथ जो है ना हम आपको कैंसिल कर देंगे, यानी कि आपको एग्जिट भेज देंगे। अभी उस सूरत हाल में सिर्फ दो ही सूरत हाल है उसका, या तो वो लाइसेंस नया बना ले या वो वापस चला जाए। इसके लिए भी उसको कितना नुकसान हुआ, अभी नया लाइसेंस बनाना पड़ेगा या कंपनी चेंज करनी पड़ेगी या तनाजल लेना पड़ेगा। अभी वो कंपनी तनाजल भी नहीं देती, जब इस तरह के कंपनी के वीज़े पे आते हैं तो वो कंपनी तनाजल नहीं देती, वो उसी में काम करना पड़ता है। तो या वो जाहिर बात है एग्जिट लगा देंगे। तो वीज़ा खरीदने से पहले जो है ना वो आप थोड़ा देख लिया करें कि वीज़ा कौन सा है, काम कौन सा है, मालूमात पहले ले लिया करें। अगर आप मालूमात नहीं लेंगे तो इसी तरह नुकसान हो जाएगा। अभी उस बंदे का क्या है, कितना नुकसान हो गया, कितना महंगा 3-4 लाख 5 लाख का वीज़ा लिया होगा लेकिन अभी उसको वापस ही जाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं अभी, तो इसलिए आप भी वीज़ा ख़रीदने से पहले देख लिया करें, पहचान लिया करें, किसी से पूछ लिया करें कि वीज़ा कौन सा लेना है। तो ये आज की जो इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। मुझे भी किसी ने बताया था कि एक आदमी ऐसे गलत तरीके से आया है, गलत वीज़े पे आ गया है, अभी वो पछता रहा है। तो नेक्स्ट टाइम आपने नहीं पछताना। तो आज की यही वीडियो थी, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो भाई मेहरबानी लाइक कमेंट्स लाजमी कर दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।